हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं, या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशनी भी दे सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है। आप समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बागीचे में बैठा था। वो शिकारी कुत्ता बैठा बैठा कहर रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कहर क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह कील पर बैठा है जो इसे चुप रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं? किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, यह तब तक वहां बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज्यादा ना बढ़ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं, लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते रहते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब ना दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं, जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वह उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इसे? इस घोड़े से ही पूछो, यह मुझे कहाँ ले जा रहा है? दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतरों का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को खोजना होगा, आत्म साक्षात्मक करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए हैं। हम जीवन में जो चुनते हैं इसका निर्णय होता है। इन्हीं दो भेड़ियों के बीच युद्ध के बाद भेड़िया क्रोध, हिंसा, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसे भावनाओं का। इन पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो। सही बात है दोस्तों, यह हमें पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िये को जिताएंगे, हमारे भीतर के सद्गुण वाले भेड़िये को या फिर दुर्गुण वाले भेड़िये को। चुनाव हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा, कि हम किस भेड़िये को खुराक देते हैं। सच ही तो कहा है किसी ने कि जैसे सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकता है, जिस तरह धनु धीर तीर को सीधा बनाता है और जिस तरह बड़ई लकड़ी सहरता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है। अपने मन को आकार दो, सही आकार दो, सही भेड़िये को पोषित करो। एक सर्द रात में एक अमीर नौजवान एक राह से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े गरीब पर पड़ी, जिसके शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था और नौजवान ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों से ढका था। उसने हैरानी से उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? बूढ़े ने जवाब दिया, लग तो रही है बेटा, पर मुझे इसकी आदत है, क्योंकि मेरे पास गर्म कपड़ा है ही नहीं।
इस पर उस अमीर नौजवान ने कहा, आप यहीं रुको बाबा, मैं अपने घर से आपके लिए गरम कोट लाता हूँ। आप उसे पहनकर बहुत गरम महसूस करेंगे। वह बूढ़ा गरीब आदमी खुश हो गया। उसकी आंखें रात भर उस गली पर टिकी रहीं, जहां से वह नौजवान गुजरा था, पर रात भर कोई नहीं आया। सुबह जब उस नौजवान को जब उस बूढ़े गरीब की याद आई, वह कोट लेकर भागता हुआ उसके पास आया, और वहां बूढ़ा ठंड से ठिठुर कर मर चुका था। उसके मृत शरीर के पास एक चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जब मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तब मेरे पास सब्र था, मानसिक शक्ति थी, जो मुझे ठंड से बचा कर रखती थी। पर जैसे ही आपने कोई कोट देने का वायदा किया, वैसे ही मैं आपके वादे से जुड़ गया। एक उम्मीद जग गई, एक इंतजार पैदा हो गया, और मेरी मानसिक शक्ति खत्म हो गई। वह इंसान रात भर जगता रहा, उम्मीद के साथ, इंतजार के साथ। उसकी आंखें पथरा गईं, और जो सर्दी आज तक उसका कुछ ना बिगाड़ पाई थी, वह आज कोहरे की चादर से मौत बनकर उसे ढाप कर चली गई। दोस्तों, जीवन में अगर किसी से कोई वादा करो तो उसे निभाओ। अगर निभा नहीं सकते, वादा ना करो, किसी को झूठी उम्मीद ना दो। हम कई बार कई लोगों की मदद का वादा कर जरूर देते हैं, और हम वादा करने की स्थिति में भी होते हैं, पर हम प्रतिबंध नहीं होते, पर हम उस वादे को लेकर गंभीर इतने नहीं होते। हो सकता है जिसने हमें सहायता का वादा किया हो, उसके लिए ये आखिरी उम्मीद हो, बस यही सहारा हो। उम्मीद को जुटला ना दो, वादा करो तो निभाओ। ख्वाब, ख्वाहिशें और लोभ जितने कम हो उतने ही अच्छे। मत किया कर इतनी उम्मीद ए दिल, यहाँ हर इंसान की अपनी अलग ही दुनिया है। जब भी टूटना, अकेले ही टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। शिकवे तो सभी को है इस जिंदगी से, मगर जो मौत से जीना चाहते हैं वो शिकायत नहीं करते। कहीं रूह का होता है तो कहीं जिस्म का होता है। इस जहान में इश्क भी दो किस्म का होता है। मोहब्बत जिंदगी बदल देती है, मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। मोहब्बत अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में पक्षी की तरह बैठे रहने का नाम है। सस्ता सौदा करना है तो फकीरों से करो। सिर्फ वही है जो चंद सिक्कों के बदले लाखों की दुआएं दे देते हैं। खरीद लो सारी दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर हमें भी बताना कि सुकून के दाम क्या है। हल्की सी है जिंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है। इंसान की मर्जी और ईश्वर की मर्जी का फर्क ही गम है। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं खत्म हो जाता है। कुछ मोहब्बतें सही शख्स से गलत वक्त पर गलत उम्र में हो जाती हैं। सिर्फ एक गलती फिर लोग ये भूल जाएंगे, तुम कितने अच्छे थे। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे मत बनो, वरना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाओगे। कमाना बड़ी बात नहीं, परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। बदलते तो सभी हैं, कोई बुरे वक्त में तो कोई अच्छे वक्त में। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग ऐसी कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम इंसान को पहचानना है। आवाज की पहुंच होती है कानों तक, और खामोशी की
पहुंच होती है आत्मा तक। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी खोज है। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जिंदगी भर थकने नहीं देगी। साथ छोड़ना हो तो मुझ में कमियां बहुत हैं, साथ निभाना हो तो खूबियां भी कम नहीं। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौते किया करते हैं। वक्त बदलता दिखाई नहीं देता, पर हर एक इंसान पर एक दास्तान लिख जाता है। तकलीफ कभी भी अकेलेपन से नहीं आती। तकलीफ जब भी आती है, अंदर के शोर से आती है। कुछ खत्म होना भी जरूरी है कुछ नया शुरू करने के लिए। मूर्खों की झुंड में अकलमंदी दिखाना भी मूर्खता ही है। जब अकल ज्यादा हो जाती है तो बातें कम हो जाती हैं। दिल और दिमाग का अलग टकराव भी तो दिल की सुनो। आओ बताऊं कहानी तुम्हें उदास लोगों की, कभी गौर से देखना यह मुस्कुराते बहुत हैं। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। जो मांगू वो दे दिया कर, ऐ जिंदगी बस तू मेरी माँ जैसी बन जा। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्म सम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा पूरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त खराब करें। सृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, हे महात्मा, चांद में कंकाल और दीपक तले अंधेरा क्यों है? संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? सच ही तो है, हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। जो तुम्हें संग्रह करना है बस वही सोचो। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रित करके मन से लगाना पड़ता है। जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, उनमें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम वही सुनते हैं जो हमारे मतलब का है। हम वही तक सुनते हैं जहाँ तक हमारा मतलब है। क्रोध करना हो तो कहना कल करेंगे। कोई भी गलत कार्य करना हो तो कहना कल करेंगे। फिर तुमसे कोई गलत कार्य हो ना सकेगा। और अगर ठीक करना हो तो शुभ कारण हो। अच्छा करना हो तो अभी कर लेना, क्योंकि अगर उसे कल पर टाला तो वह कभी ना हो सकेगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं की शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना? जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं। लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं,
उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए चार रास्ते हैं। सदा दिमाग ठंडा रखिए, सदा वक्त की कद्र करिए, भविष्य के लिए बचत करिए और पांव सदा जमीन पर रखिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, खुश रहें। यह आवश्यकता नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यकता तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीखा जाए। तुम दुनिया में हर एक इंसान को जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशियों के लिए जानबूझकर हार जाता है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो उस रब से चुपके चुपके बात कर लिया करो। वह सब जानता है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनका हर एक दिन किसी निखरे सुबह की तरह उजाला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंत मन से तो कहीं आत्मिकता का अभाव मिलेगा। कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं मिलेगी नाराजगी का बहाव मिलेगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं का दूर भाव मिलेगा। कहीं बनेंगे पराए रिश्ते अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहेंगी वही खुश मंदिर चेहरे पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव होगा। तू चल चल रही अपने कर्म प्रथा पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव से शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। इंसान हमेशा दूसरों को बदलने में लगा रहता है, खुद को बदलने का तो कभी सोचता ही नहीं। एक आदमी था, जब वो जवान था तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं दुनिया बदल सकूं। दुनिया के मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीत गया, उसकी शादी हो गई। फिर उसने प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपनी पत्नी को बदल सकूं। ईश्वर ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। समय बीत गया, उसके बच्चे हुए। उसने फिर वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं आया। अब वह इंसान बूढ़ा हो गया और एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पड़ा जोर जोर से हंसने लगा अपने ऊपर। और फिर उसने वही प्रार्थना की, हे मेरे ईश्वर, मुझे इतनी समझ दे कि मैं अब खुद को बदल सकूं। ईश्वर ने मुस्कुरा के कहा, काश ये तूने पहले मांग लिया होता तो तेरा सारा जीवन सुख शांति और सुकून से गुजरता। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती है, बच्चे माँ बाप को और माँ बाप बच्चों को बदलना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि दूसरा बदले तो मैं सुखी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? खुद को बदलिए, तब धीरे धीरे सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। एक और एक मिलकर दो हो जाए, ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 बन जाए, ये संगठन है। एक और एक मिलकर एक ही रहे, ये प्रेम है। एक और एक मिलकर शून्य हो जाए, ये अधर्म है। और जब एक को एक से ना मिलने दिया जाए तो ये कूटनीति है। और जब एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए तो ये राजनीति है। प्रेम क्या है और मोह क्या है? प्रेम में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं और मोह में हम किसी के सुख की इच्छा करते हैं। प्रेम में हम सुख देने का प्रयास करते हैं उसे जिसे हम प्रेम करते हैं, और मोह में हम उस व्यक्ति के माध्यम से स्वयं सुख लेने का प्रयास करते हैं। जब हम कोई
जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसके पौधे के पानी को सींचते हैं ताकि वो फूल कई दिनों तक खिला रहे और ताज़ा रहे। ये है प्रेम। जबकि इसके विपरीत पसंद आने पर फूल को तोड़ लिया जाना ये मोह कहलाता है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है और मोह बांधता है। जो आपको बांधे वो मोह है, जो आपके मुक्त करके विकास की ओर ले जाए वो प्रेम है। जानते हो क्रोध का पूरा खानदान होता है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध का बड़ा भाई अहंकार, क्रोध का पिता जिससे वो डरता है वो है भय, क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली, क्रोध का बेटा है बैर, क्रोध के खानदान की नक्चड़ी बहन है ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा और क्रोध की माँ है उपेक्षा, क्रोध के दादा है त्रेष। तो इस पूरे खानदान से दूर रहिए, बच कर रहिए और संभल कर रहिए। इंसान जब कोई अपराध करता है तो किसी व्यक्ति को अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है और किसी को कोई पछतावा नहीं होता, पर दोनों को ही अपराध का दंड भुगतना ही पड़ता है क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई क्रिया हुई है तो उसकी प्रक्रिया भी जरूर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि पश्चाताप का क्या लाभ? क्या पश्चाताप का कोई मूल नहीं? मूल है। पश्चाताप और प्रायश्चित मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करता है। बिना प्रायश्चित के दंड को स्वीकार करने का कोई महत्व नहीं है। खुश रहने के तीन ही रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल न दुखाना। हर किसी को खुश रहना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुंचे ये हमारे बस में जरूर है। जिस पल आप खुश होते हो सिर्फ उसी पल को अपनी जिंदगी जीती है, इसलिए पूरी जिंदगी खुशी से जीने के लिए जिंदगी का हर पल जीने। जरूरी नहीं कि आप मीठा खिलाकर किसी का मन मीठा करें, आप केवल मीठा बोलकर भी लोगों को खुशी दे सकते हैं। जो कम दुखी है वही सबसे ज्यादा सुखी है। दुनिया में सबसे खुशहाल व्यक्ति वही है जो बिना स्वार्थ के किसी की भी मदद कर देता है। हंसता हुआ हर इंसान बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए हमेशा हंसते रहो। हर वो दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपने माता पिता से मुस्कुरा कर बात करते हो। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहा करो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। भूल जाओ अपना बीता हुआ कल, दिल में बसा लो आने वाला कल। मुस्कुराओ चाहे जो कुछ भी हो कल, फिर खुशियां लाएगा आने वाला पल। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। अधिकतर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश होने का वे निर्णय करते हैं। आपकी खुशी आपकी आजादी में है। अगर आप आजादी नहीं तो खुशी नहीं। खुशी और शांति अंदर से आती है, ढूंढने से नहीं। आपका हमेशा खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीद पहन सकते हो, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। खुशी ही केवल एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी महसूस कर सकते हैं। उस चीज को पाने के बारे में सोचें जिसे आप पूरे दिल से चाहते हैं। खुश हूँ मैं क्योंकि मुझे सपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वो है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी को बढ़ावा देता है। खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम।
इसलिए दोनों बाटे और खुद को अच्छा महसूस करने दे। वे मतलब चिंता करने की वजह, वे मतलब खुश रहना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। दौलत की तरह खुशी भी अपेक्षा रूप में नहीं मिलती, यह किसी उपयोगी सेवा के फलस्वरूप भी मिलती है। ज़्यादातर लोग जीवन में उतरते ही खुश रह पाते हैं। टेंशन से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं, रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा हंसते रहो, क्योंकि हंसने से चेहरे पर डिंपल पड़ते हैं। मुस्कान एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और पाने वाला निहार हो जाता है। खुद से प्यार करना सीखें, फिर देखना जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। खुशी कोरोना की तरह है, जितना लोगों में बांटोगे उतना ज़्यादा ही फैलेगी। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुख से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करने के बारे में सोचो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अतीत में नहीं रहें, भविष्य की चिंता नहीं रहे, वर्तमान में पूर्ण रूप से जीने पर ध्यान केंद्रित करिए। हर दिन खुशियों से भरा है। जब भी हमने माता पिता से हंसकर बात की हो, खुशी तब मिलेगी जब आप सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं सामंजस्य में हो। अपने दुश्मनों को दी जाने वाली सबसे खतरनाक सजा आपकी खुशी है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते। जब आप एक ही चुटकुले पर दोबारा नहीं हंस सकते हो, एक ही दुख पर बार बार परेशान क्यों होते हो? एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा खुशियों को पालना सीखता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति खुद को हमेशा खुशियों से दूर पाता है। लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए, जैसा कि अपनों के साथ। मैंने खुद को मुस्कुराते हुए पकड़ा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानियां हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जिंदगी कुछ दिनों की मेहमान है, जिन्हें हंसकर ऐसे गुजार दिया वही पहलवान है। खुशी दुनिया की बहुत ही कीमती चीज है, इसलिए इसके लिए दूसरे पर निर्भर ना रहें। हमेशा इतना खुश रहो कि लोग परेशान हो जाएं और सोचें कि इसे किस बात की खुशी है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना दिमाग में नहीं। एक मुस्कुराहट सबसे अच्छा मेकअप है जिसे कोई भी इंसान पहन नहीं सकता। मुस्कुराहट एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। माना कि जिंदगी आसान नहीं, मगर मुस्कुराकर चलने में भी कोई नुकसान नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। थोड़ा सब्र रखिए, खुशियाँ भी जरूर आएंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। आपकी खुशी सबसे बड़ी महंगी चीज है, इसे किसी को चुनने ना दे। हमेशा दूसरों की मदद करते रहो। यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। फिर मिलेंगे दोस्तों।
नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।